Hello children, today we will study English, that is lesson number 3, A Wet Kitten. A wet kitten means a kitten who is wet. Wet means gila hona. A kitten means the young one of a cat. The young one of a cat is called kitten. कैट के बच्चे को कहते हैं किटन. ओके, सो वर्ड्स टू नो. आउटसाइड वार्म कॉर्नर रैप्ड ब्लैंकेट होल. ओके, आउटसाइड वार्म कॉर्नर रैप्ड ब्लैंकेट होल. ओके, so these are the words to know. Now we will read the lesson. At the same time I will explain you the lesson. Okay children. Hello, I am Farzin. One day it was raining. Okay, so now Farzin says hi, hello. So, and Farzin says she introduces herself by saying that she is Farzin. So one day it was raining. So one day it was raining and she heard, I heard a sound. What she says? I means Farzin. No, so Farzin says she heard a sound. Usne ek awaaz suni. Mummy opened the door. She, okay, when Farzin heard a sound, mummy, what she did? She opened the door. उसने दरवाजा खोला. देर वॉज अ टाइनी किटन आउटसाइड. देर वॉज अ टाइनी किटन आउटसाइड. जब ही मम्मी ने दरवाजा खोला तो उसने एक छोटी सी बच्ची, मतलब कैट के बच्चे को, मतलब टाइनी किटन को बाहर देखा. आउटसाइड मीन्स बाहर देख. आउटसाइड मीन्स बाहर. ओके, सो देर वॉज अ टाइनी किटन आउटसाइड. मतलब मम्मी ने दरवाजा खोलने पर एक छोटे बच्चे को, मतलब टाइनी किटन मीन्स कैट के, बिल्ली के छोटे बच्चे को बाहर देखा. ओके बच्चे. इट वॉज वेट. इट मीन्स द किटन, द टाइनी किटन वॉज वेट. वेट मतलब गीला. तो ये टाइनी किटन गीला था. सो आई पिक्ड इट अप एंड वाइप्ड इट. क्या किया फरजीन ने? उसे उठाया, पिक्ड अप, और उसे वाइप्ड. वाइप्ड इट मीन्स उसे पहुंचा. वाइप्ड मतलब उसे गीला था ना, तो उसको कपड़े से पहुंच दिया और उसको सूखा कर दिया. ओके, देन आई पुट इट इन अ बास्केट. और फरजीन ने क्या किया? उसे, इट मतलब द टाइनी किटन. सो फरजीन पुट द टाइनी किटन इन अ बास्केट. ओके, आई टुक द बास्केट एंड कैप्ट इट इन अ वार्म कॉर्नर ऑफ माई रूम. आई टुक द बास्केट एंड कैप्ट इट इन अ वार्म कॉर्नर ऑफ माई रूम. सो क्या किया फरजीन ने? उसने बास्केट लिया और किटन को उसके अंदर रखा और उस किटन को और बास्केट को एक कोने में, कमरे के एक गर्म कोने में उसे रखा, जहाँ पर ऐसा कोना जहाँ पे वो गर्म गर्माहट मिले उसे, ऐसे कमरे में उसे, ऐसे कोने में उसे रखा. द किचन वॉज फीलिंग कोल्ड. द किचन वॉज फीलिंग कोल्ड. सो उसे अभी ठंड लग रही थी. सो आई रैप्ड इट इन माई डॉल्स ब्लैंकेट. फिर उसने क्या किया? उसे ठंड लग रही थी तो उसने एक ब्लैंकेट लिया. किसका ब्लैंकेट लिया? डॉल, उसके डॉल का ब्लैंकेट था ना. ब्लैंकेट मतलब एक थिक
बेडशीट जैसा, तो वो लेकर के उसे लपेट दिया, रैप्ड मतलब लपेटना। तो ब्लैंकेट को लेके कैट को लपेट दिया, मीन्स आई रैप्ड इट विथ इन माई डॉल्स ब्लैंकेट। मम्मी गेव इट सम वॉर्म मिल्क टू ड्रिंक। ओके, सो मम्मी व्हाट शी डिड, शी गेव सम वॉर्म मिल्क, गरम दूध दिया उस किटन को पीने के लिए। सो द किटन फेल असलीप। ओके, व्हाट हैपेंड, द किटन फेल असलीप।